इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बेलगाम की इधर से जरूरत से वजह से बेलगाम में जो अभी ट्रीटमेंट के हिसाब से कोविड ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सरकार का आदेश के बाद जो प्राइवेट सेक्टर को भी और डॉक्टरों को भी और एसोसिएशन जो है वो काम करने वालों की भी हमें वेलकम किए हैं, इसलिए वो हिसाब से कोविड केयर सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स भी ट्रीटमेंट के वास्ते खुला कर रहे हैं। अभी एक महीने से चालू हो रहा है, उसी हिसाब से आज यहाँ पे बेलगाम सिटी के एरिया में मदीना ग्रुप ऑफ फाउंडेशन से NGO से इधर कोविड केयर सेंटर चालू कर रहे हैं। मेनली जो इसमें जो बताए थे वैसे रिक्वायरमेंट का प्रिपरेशन जो है वो कर लिए, ऑक्सीजन बिना बेड्स पे इधर एक 25 मौजूद है, ऑक्सीजन भी एक 25 मौजूद बेड्स किए हुए हैं, करीबन 50 पेशेंट्स को इधर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो हिसाब से नर्सिंग केयर वगैरह और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का डॉक्टर स्तर की सब कुछ इधर तैयार कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो गए। वो हिसाब से आज उन्होंने दूसरे जो अरेंजमेंट्स सब बनाने के लिए बोले थे हमारे, वो हिसाब से अभी करा लिए, आज उनका ओपनिंग हो रहा है। सबके हिसाब से अच्छा काम होंगे और लोग कोविड के वजह से अभी जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ से बाहर आए, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाए, यही मेरा दुआ है। और जो उन्होंने उन्होंने एसोसिएशन मदीना ग्रुप ऑफ एसोसिएशन से काम किए हैं उनको मैं मेरे तरफ से धन्यवाद देने के लिए इंतजाम करता हूँ। सर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से हेवी बिल चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लेने का गवर्नमेंट ने बताया था, क्या उसके ऊपर हो रहा है कोई काम? दो प्रकार के हैं उसमें, आयुष्मान भारत और कर्नाटक जो स्कीम में चल रहे दवा का जो हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स उसमें सरकार से हिसाब से ही पेमेंट हो जाता है, जो रेफरेंसेस गवर्नमेंट की तरफ से आ जाते हैं उनको अलग फीस उनको मिलता है, और जो डायरेक्टली एडमिशन्स होते हैं जो पेशेंट के अपने आप समझ के प्राइवेट होके हम उन्होंने एडमिट कर लिए तो वो उसके हिसाब से उन्होंने पेमेंट करा सकते हैं। अब कंट्रोलिंग रेट जो हम बता रहे हैं वो उसके बारे में हम बोल दें और नोटिस भी करा लिए और 3-4 बार DC चेयरमैनशिप पे जिलाधिकारी की टीम चेयरमैनशिप से जिला से मीटिंग लेके उनको बताए हुए हैं। वो हिसाब से जो अभी उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल से इधर इसके जो कंप्लेंट आए हुए जो चार्ज कर रहे हैं ज़्यादा पैसे तो उनको हम एक्शन ले लिए, वार्निंग भी ले लिए और तब तक क्लोज भी कर सकते हैं। नोटिस भी दिया है, वो काम चल रहा है। वो हिसाब से मैं उन डॉक्टर लोगों को एक इधर से मैसेज देना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फीस लगाए हुए वही हिसाब से उन्हें अभी ये एक ऐसा सिचुएशन है, इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जैसा है, वो साफ सोच समझ के ट्रीटमेंट दे दें और पेशेंट को ट्रीटमेंट टैक्सेशन ज़्यादा मत करिए, ये मेरा। सर, क्या बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाने से लोग कतराते हैं, करते हैं, क्या वजह है उसकी? छः महीने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही काम कर रहे हैं, आपको भी मालूम है पहले से मार्च जब चालू हुआ है कोविड कई सारे शिकायतें भी हैं, नर्सिंग होम्स प्राइवेट हॉस्पिटल सब क्लोज करे थे, उसके साथ 10-12 बार हम मीटिंग करा दें चालू कर दें सर्विसेज कर दें, जो हम उनके एक्शन स्ट्रिक्ट लेते हैं एक्शन फिर को बोलने के बाद सरकार के जो ऑर्डर आने के बाद 1-1.5-2 महीने उन्होंने नहीं चेंज करके ट्रीटमेंट सब दे लिए, वो जो नज़र है उनके हम नज़र रखे हुए जो गलती कर रहे हैं फीस ज़्यादा ले रहे हैं उनको उनके ऊपर एक्शन। सर, बीच में अचानक डेथ रेट एकदम रेज हो गया था फिर अब घट गया था, क्या वजह? जून एंड तक हम जिला में कंट्रोल पर 330-340 तक टोटल केस थे, उसके बाद में जो लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो पब्लिक का जो मूवमेंट होने लगा
सब सब लोग आने वाले चालू कर दिए। चिल्ड्रन स्टेट बॉर्डर ओपन हो गया, पेशेंट का एक ही मतलब वही टाइम पर थोड़ा इन्फेक्शन रेट एक ही बार बढ़ने के बाद जो मेडिकल सर्विसेज है उनके उस पर दबाव वो हिसाब से थोड़ा तकलीफ हो गई है। डेथ रेट जो है वो हिसाब से दूसरे जिले की कंपेयर करने से हमारा कम है। हमारा टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट का 53 लाख है, वो हिसाब से हम कंट्रोल की जो कोमॉर्बिड स्टेट बोलते हैं, कैंसर के पेशेंट, डायलिसिस के मरीज, डायबिटीज पेशेंट, हाइपरटेंशन, टीबी का पेशेंट है, एचआईवी का, एड्स का पेशेंट है, जो ऑलरेडी उनका इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट रहते हैं, तो रोग फाइट करने की जो अंदर की ताकत रहती है वो कम हो जाता है, वो लोगों को थोड़ा शायद तकलीफ हो जाता है, उनमें थोड़ा डेथ रेट भी ज़्यादा आया है सर जब पॉजिटिव। और दूसरा एक बात बताता हूँ मैं, मीन्स में 140 तक प्रेग्नेंट वुमन का डिलीवरी करता से सर्विसेज जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स प्रेग्नेंट वुमन थे उनका ट्रीटमेंट का उधरी करा दें और रिजल्ट भी एक बच्चा भी पॉजिटिव नहीं। हर रोज 400-500-300 पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट अनलॉक 4 की तरफ जा रही है, अब स्क्वायर्स भी ओपन हुआ है एक तरह से, तो ये कौन सा ये इसको अकलमंदी कहते हैं सर? अकलमंदी के हिसाब से टेक्निकली बोलते हैं इसको लाइक स्टेज 4 इन द कम्युनिटी स्प्रेड पे बोलते हैं लास्ट स्टेज, जो कम्युनिटी स्प्रेड में ये स्टेज आ जाता है। इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने तक ये जो कम्युनिटी स्प्रेड हुए रहता है उसमें थोड़ा केसेस इंक्रीज हो जाए कंट्रोल करने के लिए, जो 100 में 80-85 तक रिकवरी हुआ है, 15% तक वो ट्रीटमेंट कर।